हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए युवा रत्न के ट्रेलर का रिएक्शन, और इसका बहुत ज्यादा वेट था। और जैसे हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कब से मूवी रिलीज होने वाली थी, और अब जाके उसका रिलीज डेट पता लगा, उसके बाद अब जाके इसका ट्रेलर आ रहा है। और अभी देखा जाए तो अभी वापस से कोरोना बढ़ने लग गया, तो फिर से ऐसा ना हो कि फिर से इसमें कोई डिले हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे अभी जो मूवी डेट्स आई हैं वो सारी रिलीज हों, और एक के बाद एक के बाद एक सबको मजा आया, क्योंकि ये मूवी की बहुत ज़्यादा लोगों को एक्साइटमेंट है। पुनीत राजकुमार की मूवी है एंड सुपरस्टार है, और कमाल के वो है, उनके डांस जबरदस्त होता है, उनका एक्टिंग जबरदस्त होती है। और ये मूवी की प्रमोशन तो वैसे ही कब से चल रही है, और उसके बाद बहुत सारी मूवी और भी पाइपलाइन में है, तो फटाफट ये देखते हैं कैसी होती है। यस, ये मूवी के डायरेक्टर है संतोष अनंद्रम जी, जो फाइनली 1 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। एंड ये मूवी कन्नड़ा एंड तेलुगु दो लैंग्वेजेस में शूट हुई है, एंड ये तमिल एंड हिंदी में डब भी होकर रिलीज होगी। एंड ये मूवी 2019 से रिलीज होने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस ये डिले होती जा रही थी। फिर 2020 में रिलीज होने वाली थी, बट ऑफ कोर्स तब तो कोई मूवी रिलीज नहीं हुई कोविड की वजह से। एंड फाइनली अब रिलीज होने वाली है, जिसका एक्साइटमेंट लेवल भी सब में बहुत है, क्योंकि ये इतने टाइम से रिलीज होने की हो रही है बट हो नहीं पा रही थी। तो फाइनली इसका ट्रेलर आ गया, तो देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। वही, और ऊपर से ये ईयर वैसे भी अगर सब चीज सही रही तो कनाडा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ईयर रहेगा। देखते हैं फिर कैसा होता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Education is not a business, it's a service. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಡೋದು ಫೀಸ್ ನಿಂದಾನೋ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನಿಂದಾನೋ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ, ಇವ್ರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ನಾವಿರೋವರೆಗೂ. ನಮೋ ನೋ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಸಾಸಿನ್, ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತವಂಗಲ್ಲ. ಎನ್ಸಿಬಿ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಅಣ್ಣಾಮಲೈನ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗ್ತೀಯಾ. ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋ ನಿನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನ ನಮಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬಾರ್ದು. दो तरफा लड़ाई चल रही है। दम उड़िया, दम मिल दे इल बड़ा ये अच्छा था। सारी आग अंदर, मेरे को वहां से नहीं चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ ट्रेलर था, और एक्चुअली हम बताया तो हमने इसको ट्रेलर को 2-3 बार और देखा, एंड उसकी एक एक चीज़ समझी, उसको पॉज कर करके देखा तो और चीज़ें क्लियर आउट हुई है। तो क्योंकि पहले मेरे को यही लग रहा था कि वो जैसे प्रकाश राज जो है वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डीन टाइप है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो बताना चाहते हैं कि भाई कॉलेज ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और फिर वो जहाँ तक बात करें यहाँ पे पुनीत राजकुमार जी की, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एक राउडी स्टूडेंट है, और वो मतलब वही शैतानी करते हैं, पूरा काम खराब ही वही करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करें। पर लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं पता चला कि वो फिर जो उनके कॉलेज में और राउडीज और आते हैं, जो और थोड़े से ऐसे बेकार लोग आते हैं, उनको मारने भी लगते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो पुलिस वालों के साथ भी मिले हों, या तो वो खुद ही पुलिस वाले हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, आपको इसमें और कुछ समझ आए तो वो हमें जरूर बताएगा। यस, पूरा ट्रेलर काफी राउडी टाइप था। मतलब प्रकाश राज है वो स्टार्टिंग में, वैसे वो हर मूवी में विलन का रोल प्ले करते, बट इस मूवी में वो विलन नहीं लग रहे, उल्टा वो सब सही बात बोल रहे हैं कि कॉलेज ऐसा होना चाहिए, डोनेशन लेके वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बना सकता। एंड ये बात सही भी है। एंड जो एक्टर है पुनीत राजकुमार जी, उनकी भी एक्टिंग काफी अच्छी, मतलब पूरे ट्रेलर में गुस्से में दिखे, हालांकि बीच में उन्हें एक लड़की भी मिली, काफी क्यूट लड़की थी वो भी, बट वैसे देखा जाए तो वो काफी गुस्से में लग रहा है, काफी मारपीट हो रही है। एंड पता नहीं बीच में एक लड़की का फोटो दिखाया हुआ था, मतलब
कुछ ऐसे फ्रेम में उसका फोटो था, पता नहीं वो क्या हुआ था। एंड बीच में एनसीबी का भी इन्होंने बताया था कि शायद उसके स्टूडेंट्स, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ड्रग्स एंड सब में लग गए हो, पता नहीं क्या, बट शायद हो सकता है कि यही चीज प्रकाश राज सुधारने में लगे हो, क्योंकि कॉलेज में ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो उसे सुधारने में लगे हो। एंड पुनीत राजकुमार पता नहीं अब उनकी हेल्प करेंगे या उनके अगेंस्ट है, इतना कुछ क्लियरेंस नहीं मिला, बट ट्रेलर देखने में मजा आई। एक चीज ये भी हो सकती है कि वो ड्रग्स का उनको पहले ही पता और बिकॉज वो पुलिस वालों के साथ हो तो उनको पता और इसलिए उन्होंने एडमिशन लिया उस कॉलेज के अंदर। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में देखा वो उनको कह रहे थे कि न्यू स्टूडेंट तो आप फर्स्ट बेंच पे आके बैठो, तो उस तरीके से रहते। लेकिन इससे ये पता लगता है कि पूरा बैच जो है वो नया नहीं है, सिर्फ वो अकेले उसमें नए ज्वाइन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो। बाद की जो शॉट्स है जब वो किसी एक बड़े घर में जा रहे थे फिर हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, तो उससे ये तो पता लग रहा था कि वो कोई कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं थे, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, वो कोई बड़े ही आदमी थे, कोई बड़े टॉप के पुलिस ऑफिसर। और बीच में ये भी हुआ कि कोई उन्हें बोल रहा था कि यू नो हु माय फादर इज, मतलब कोई किसी का कॉर्पोरेटर का बेटा है, एमएलए का कोई सन था, तो उन्होंने उसे करेक्ट भी किया कि यहाँ ये कॉलेज है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता कि तुम किसके बेटे हो, यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट है। और मेनली चीज वो थी कि जो मेन डायलॉग था ना, फेवरेट डायलॉग, वो वही था कि वो उसको पूछते ना सिगरेट चाहिए, तो बोलते नहीं वो आग मेरे को वानी चाहिए, मेरे जो आगे वो यहाँ पे है ही। तो बहुत मतलब ट्विस्ट वाला भी लग रहा है, सही भी लग रहा है, और बहुत कमाल की स्टोरी लग रही है इसको। ये है कि मूवी जाके आपको पता लगेगा कि कहाँ पे जो मिसिंग लिंक्स है वो मैच होगी और कहीं ना कहीं ये जाके पूरी मूवी सेट होगी। तो बहुत कमाल का, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट जरूर बताएगा, ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।